हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा। पिज्ज़ा घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही आता है और ये लगता भी बहुत टेस्टी है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाला है और 2 चम्मच इसमें खट्टा दही है वो डाला है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ये देखिए मेरा डो बनकर तैयार है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि जो आटा है वो हमारा एकदम से फूल जाए। और इधर मैंने एक कढ़ाई में 10 से 15 सूखी लाल मिर्च डाली है और इसको भी मैं क्रश कर लूँगी चिली फ्लेक्स के लिए। और इधर मेरा आटा जो है एकदम से फूल गया है और इसके हम लोई बनाकर रख लेंगे और इसको हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथ से ही इसकी लोई बनाएंगे। और अब हम एक लोई लेकर इसका पिज्ज़ा का जो शेप है वो कर डालेंगे और इसको हम हाथ से ही धीरे धीरे हाथों से ही इसको फैलाकर इसका पिज्ज़ा का शेप देंगे। ये देखिए इधर पिज्ज़ा का जो शेप है वो बन गया है। इसको हम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे वरना हमारा पिज्ज़ा है वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसको हम कांटे की सहायता से इसको जो पिज्ज़ा का जो बेस है इसमें छेद निकाल लेंगे ताकि हमारा जो पिज्ज़ा का बेस है वो फूले नहीं और अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। इधर तवा मेरा गरम है और इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे ताकि जो पिज्ज़ा है वो अच्छे से सिके हमारा। और ये देखिए मैंने सारे जो पिज्ज़ा का जो बेस है वो बनकर तैयार है। और इसके बाद हम पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने पिज्ज़ा का सॉस लिया है, ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। ऊपर से हम थोड़ा सा नमक और ऑरिगेनो डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें बाद में डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें पहले डालूँगी, थोड़ा सा बाद में डालूँगी। उसके बाद मैंने कैप्सिकम लिया है, बेबी स्वीट कॉर्न लिया है और इसके बाद थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसके ऊपर। सब्ज़ी आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर है, टमाटर का मैंने जो बीज है वो निकाल कर रख लिया था, इसमें बीज नहीं डालेंगे, पिज्ज़ा जो हमारा गल जाएगा इसलिए बीज वो मैंने निकाल दिया है। और इसको पिज्ज़ा के ऊपर डाल देंगे, ऊपर से ऑरिगैनो डाल देंगे। उसके बाद हम चीज़ को क्रश करके डालेंगे और ये मैंने बहुत सारा चीज़ डालकर पिज्ज़ा वो हमारा तैयार कर लिया है। और पिज्ज़ा बच्चों को खाना बहुत ही पसंद है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा और सब्ज़ी डाल दूँगी क्योंकि ये बच्चे खाएंगे तो उसके लिए सब्ज़ी ज़्यादा डालूँगी मैं। और उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक, टमाटर सॉस या पिज्ज़ा सॉस आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा इसमें सॉस डालूँगी, टमाटर सॉस। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ और डालकर इसमें एयर फ्रायर में सेकूँगी और ये हमारा पिज्ज़ा है एयर फ्रायर में तैयार है। उसके बाद मैंने एक पैन में भी बनाया है, वो भी हमारा तैयार है। और ये देखिए मेरा पिज्ज़ा वो बनकर तैयार है। आप मुझे बताइए कि कमेंट्स में मेरा पिज्ज़ा कैसा बना। थैंक यू।